मेरे बच्चे जो है ना मेरे साथ ही मदद कर लेती हैं, जैसे मैंने किधर जाना हो कोई शॉपिंग के लिए इन बच्चों के लिए तो मेरे बेटे लेके जाती हैं। हर चीज़ सुपरवाइज मैं खुद करता हूँ, एज ए ड्राइवर भी मैं गाड़ियाँ ड्राइव करता हूँ, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना सारा मेरे अंडर आता है। और अभी चिकन वाले के पास जाना, बच्चों के लिए चिकन्स लेनी है 10, और थोड़ी सी सब्जी भी ले लेनी है हमने। तीन बच्चों के लिए इतनी अदारा है ही नहीं है पाकिस्तान में जो खास लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए बहुत सारी हैं अदारा हैं, मदरसा हैं, लेकिन मैंने ये नहीं देखा जो लड़कियों के लिए। और मैं ये समझती हूँ ना लड़कियों का ज़्यादा ज़रूरत है, क्यों एक लड़की अगर एजुकेटेड है तो पूरी फैमिली एजुकेटेड है। तो मैं जो ज़्यादा जो जोर देती है ना लड़कियों के ऊपर, आप पढ़ो जितने तक आपने पढ़नी है पढ़ो। तो अभी फिलहाल अभी थर्ड ईयर में है, ये अकाउंट्स में है एक बच्ची है, एक बच्चा है फर्स्ट ईयर में प्री इंजीनियरिंग, और एक हमारे बच्ची जो मरी में वो थर्ड ईयर जो है इसकी जो है डॉक्टर बन रही है, इसके लास्ट ईयर है। जब ये कराची वाली अदारा मैंने शुरू किया ना तो मैंने जो लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया सारी गरीब इलाकों में, और उधर भी मैं मिली हैं जो नाजिम हैं उस इलाके की हैं, फिर इसको बताया है अगर कोई ऐसी हैं यतीम बच्ची हैं या बच्चा हो जो बहुत ही गरीब हैं, फिर उनको हमारे तरफ भेजे हैं। तो तकरीबन ये सारी बच्चे यतीम हैं, कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी दोनों भी नहीं हैं, ना माँ है ना बाप है। तकरीबन मेरे पास अभी इस वक्त है इस बिल्डिंग में 92 या 93 बच्चे हैं जो इधर रिहाइश रखते हैं। ये हैं बच्चों के कमरे हैं, और इस कमरे में हैं 6 बेड हैं, लेकिन ये हैं ये बड़े बच्चे नहीं सोती हैं, 12 चिल्ड्रन नहीं सोती हैं इस कमरे में। हर बेड के नीचे हैं 2-2 बच्चे सोती हैं, एक बच्चे ऊपर सोती हैं, और ये इनकी जो है मुख्तलिफ ये जो बच्चे ने बनाया स्कूल में हैं इनकी खुशी के लिए मैं दीवारों पे लगाता हूँ ताकि इनको ये है आंटी अप्रिशिएट करता है हमारा काम है। बच्चे ऐसे ही फिर खुश रहती है, फिर बच्चे और पढ़ाई में ध्यान देती हैं। इधर हमारा कोई काम नहीं करने वाली है, मैं हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 2 बहू हैं, और जो एक नजिस है वो जो है जो खाना बनाती है। जी नजिस, आज क्या बना रही हैं? जी आंटी बैंगन आलू। बैंगन आलू, वाह मज़ेदार लगती है। चावल भी बनती है रोटी भी बनती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है बच्चे जो हैं रोटी ज़्यादा शौक से खा लेती हैं, लेकिन मैं इनकी डाइट बैलेंस कर लेती हूँ, तो क्यों बच्चे का पेट भी ख़राब हो जाती है, तो चावल जो है ना हफ्ते में 2-3 बार वो ज़रूर मैं दे देती हूँ। मैं उधर ही पढ़ती थी मदरसे में, वहाँ पे तकरीबन मैंने मैट्रिक की है, तो वहाँ से ही मेरी शादी हुई, तो माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह हैं, कभी भी मैंने सास नहीं इनको माना, अपनी माँ ही माना इनको, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत हमें मज़ा आता है, हम मिल के काम करते हैं सारे बच्चों के लिए। मैंने कुरान पाक पढ़ा इंग्लिश में, और 5 वक्त नमाज भी पढ़ लेती हैं, रोज़ा भी, मेरा खुद अपना शौक था। जब इस्लाम कबूल किया अपना शौक, मुझे बहुत शौक है जो इंग्लिश बुक्स पढ़ने में इस्लाम के बारे में, हदीसें भी पढ़ी हैं, फ़ज़ाइल आमल भी पढ़ी हैं, फ़ज़ाइल सदक़ात भी, मतलब बहुत शौक है, मतलब जितना भी आदमी सीख जाए वो कम है। कराची वाले जो ब्रांच है ये मकान है सिर्फ रिहायश है, सारे बच्चे बाहर चले जाती है स्कूल,
मुख्तलिफ स्कूल हैं, DHA नीलम है, DA मिडिल स्कूल है, जमसमा कॉलेज है, पारिस मॉडल स्कूल है, तबीयत अल इस्लाम है, DHA फेज 7 है और CVU। सुबह बस आ जाती हैं 7 बजे, सारे बच्चे को उठा लेती हैं और अपने अपने स्कूल में छोड़ देती हैं। तकरीबन मेरे पास जो हैं जो बड़ी लड़कियाँ 35 बड़ी लड़कियाँ हैं, तो हर एक लड़की को मैंने दो दो छोटे छोटे बच्चे दिए, इनकी जिम्मेदारी लगाई है, इनकी यूनिफॉर्म भी आपने धो लेना है, इनकी यूनिफॉर्म प्रेस करना, इनकी जो सुबह है इनकी बाल बनाना और मुंह हाथ धुलानी है, ऐसे जो है बच्चे जो हैं साफ रहती हैं अगर एक बड़ी लड़की के जिम्मे लगाई। और सिर्फ ये नहीं है, इनकी पढ़ाई के टाइम है, अब होमवर्क है, वो दो जो बच्चे हैं जिन जो ये लुक आफ्टर कर लेती हैं वो होमवर्क भी बैठ के इनके साथ कर लेती हैं। मेरे खाला को पता चल गया था कि इस तरह एक मदरसा है, उधर तालीम सही मिलती है, तो उन्होंने मेरी अम्मी से मशवरा किया, तो मेरी अम्मी ने मुझे यहाँ पे दाखिल करवाया है। आंटी ने हमें यहाँ पे रखा है हम पढ़ सकें ताकि एक अच्छा इंसान बन सके, तो हम यही चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़ें और आंटी को अच्छा रिजल्ट दें ताकि आंटी का दिल ना दुखे, अच्छा रिजल्ट उनको दें, वो खुश हों। बस हम और क्या कर सकते हैं, और दुआएं दे सकते हैं आंटी को।